आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र हरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले हम बता देते हैं आपको हमारे फोन नंबर है। हमारा पहला नंबर है 241588 यानी 241588 और हमारा दूसरा नंबर है 298029 यानी 298029। छतरपुर शहर से बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 07682 यानी 07682। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 तक की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुन लेते हैं इनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्कार भैया जी, मैं जी चतुर्भुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या करते हैं चतुर्भुज जी? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप? अरे भाई बहुत बढ़िया है। बताइए किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं वैसे प्राइमरी टीचर हूँ, तो 1 से 5 तक का विद्यालय है हमारा, ये भदरवास जिला शिवपुरी में। जी जी, शिवपुरी में भदरवास में है आप? जी जी, बहुत अच्छी बात है भाई। आप जानी पहचानी भी लग रही, शायद राजेंद्र भाई बोल रहे हैं। जी चतुर्भुज जी, मैं राजेंद्र हरवार बोल रहा हूँ। क्या छुट्टियाँ पड़ी थी, तो स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो मैं तो अपने गृह गाँव गंगोली गया था। जी जी, वहीं अपने दोस्तों के साथ दिवाली को सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से। जी, और क्या है अब तो भैया, मैं एक बात बताऊँ ना, जो बचपन था जी अलग ही था, अब तो पटाखों से डर लगता है। बिल्कुल चतुर्भुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पहले हमारा समय था कि हम सब अपने माता पिता और अपने परिजनों के साथ में ये जो आतिशबाजी का आनंद लेते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो परंपराएं कम होती जा रही हैं। बस ये बात यह है कि सर क्या बताऊं राजन भाई, कि अब आदमी इतना व्यस्त हो गया है तो समय नहीं निकाल पा रहा अपनों के लिए। अपना अपन हकीकत देखा जाए तो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, कई लोगों की शिकायतें रहती हैं। बिल्कुल चतुर्भुज जी, हम सभी श्रोताओं से और आप सबसे यही कहेंगे कि अपनों के लिए समय निकालें, तभी अपने अपने के लिए समय निकालेंगे तो ये जीवन का आनंद है दुगना हो जाएगा। ऐसा भी है, मुझे समय है तो आपको नहीं है और आपको समय है तो शायद मुझे नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इतनी व्यस्तताएं हो गई हैं जीवन में कि आदमी चाहकर भी समय नहीं निकाल पाता। फिर भी मैं सभी मतों के लिए एक ऐसा गाना सिलेक्ट करूंगा तो शायद उनकी समस्या और शिकायतें जो है वो दूर हो जाए। बिल्कुल, बताइए चतुर्भुज जी कौन सा गाना हम आपको सुना दें? बिल्कुल राजेंद्र भाई, आज गाना रहेगा फिल्म है गुमनाम। जी, उसमें एक गीत है मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। बिल्कुल चतुर्भुज जी, गुमनाम फिल्म का ये गाना जो आपने सुनना चाहा है, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, हम आपको ये जरूर सुनवाएंगे। और बताइए आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? ये मान के चलिए तो मेरा तो आकाशवाणी ही सहारा है, जब मैं सुबह फ्री रहता हूँ, क्योंकि यहाँ भी सभी फैमिली साथ रहता हूँ, तो बच्चे अपने काम में बिजी रहते हैं, तब तक मैं अपने आकाशवाणी का मजा लेता रहता हूँ 8-9-10 बजे तक। बिल्कुल, रेडी होकर स्कूल जाता हूँ, फिर भी अपने प्रोग्राम चालू रखते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है चतुर्भुज जी, आप समय निकालते हैं और कार्यक्रमों से आनंद लेते हैं। और मैं तो ये माना हूँ कि जो राकेश कहे जी जब आप गुनगुना उठे प्रस्तुत कहते थे ना, तो शायद उनकी कमी को आपने भी पूरा किया है। कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे उसी स्तर से आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल चतुर्भुज जी, हमारे श्रोताओं का प्रेम स्नेह है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं, इसी तरह कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिए। और भी जो अपना ग्राम सभा में चर्चाएं होती है ना, बहुत बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल भाई चतुर्भुज जी, और आप शिवपुरी में पदस्थ हैं और वहाँ पर हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, तो वहाँ प्रसारण कैसा आता है? प्रसारण ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, रेडियो तो नहीं रखा हूँ, तो ऐप पर तो क्लियर चलता है। जी जी, ऐप पर तो बहुत अच्छा आता है। जी जी, चतुर्भुज जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नमस्कार, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा हूँ सर, कोलार रोड भोपाल से। रामबाबू मालवी? जी सर। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है रामबाबू जी, बताएं कैसे लगते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम? आकाशवाणी के प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं सर, ऐप के माध्यम से, और यहाँ पे आकाशवाणी के तो भोपाल के भी सुनते रहते हैं, अच्छे लगते हैं सर। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप छतरपुर केंद्र के? आपके सर वो जो युवाणी वगैरह ये आते हैं ना किसानों के लिए, वो भी सुनते हैं। हेलो फ्रेंड वो पहले आता था, वो भी सुनते थे। अभी क्या मालूम नहीं सर, अभी चालू है नहीं हेलो फ्रेंड वाला प्रोग्राम। जी जी, सभी वो भी सुनते हैं सर।
फरमाइशी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? जी, बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हेलो फरमाइश वाला तो बहुत अच्छा लगता है हमको। बिल्कुल रामबाबू मालवीय जी, आप लगातार कार्यक्रमों से जुड़े रहे और बताएं भोपाल में किस तरह से मौसम है और कैसे आनंद ले रहे हैं? सर अभी तो बिल्कुल खुला मौसम है, अब ये एक थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है अभी, मतलब सर्दियों के टाइम आ गए हैं, अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है सर। वैसे भी नदी तालाब यहाँ बहुत है तो बहुत ज्यादा ठंड रहती है सर। बिल्कुल रामबाबू जी, मौसम का आनंद हमें लेना है, और आपने जो बताया है कि सर्दियां यहाँ ज्यादा रहती हैं, झीलों का शहर हम जिसे कहें, हमारा भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल शहर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, झीलों की नगरी है भाई भोपाल, और स्वच्छ है हमारा, और सभी स्थान स्वच्छ बने रहे। किस तरह से प्रयास करते हैं आप सब साफ सफाई के लिए? बिल्कुल साफ सफाई तो बिल्कुल पूरी तरह से रहती है, और यहाँ साफ सफाई वाली जो टीम है वो भी करती है, और उनकी भरोसे वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है तो हम भी देखते हैं सर, जैसे दुकान है हमारा, घर है, उनके आसपास की जितनी भी साफ सफाई हम स्वयं करते हैं सर। बिल्कुल राम बाबू जी, हम सबका परम कर्तव्य यही है कि आसपास हम स्वच्छता बनाए रखें और गंदगी बिल्कुल ना करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बताएं आज कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें? सर फिल्म है बागवान, उसमें गाना है मेरी मकड़ा मेरी सोनी है। बहुत प्यारा गाना है ये बागवान फिल्म का। जी सर बिल्कुल। रामबाबू मालवीय जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आकाशवाणी छतरपुर सुनते रहिए और अपने ज्ञान सूचना शिक्षा मनोरंजन में बढ़ोतरी करते रहिए। आइए हम आपको सुनवाते हैं बागवान फिल्म का ये गाना। जी सर नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं हम ये समाज कल्याण का संदेश। हेलमेट सिर पे धारो, हेलमेट सिर पे धारो, चाहो जिंदगानी, हेलमेट सिर पे धारो, जो चाहो जिंदगानी, सीट बेल्ट तुम बांधो, हाँ सीट बेल्ट तुम बांधो, जो चाहो जिंदगानी, हेलमेट सिर पे धारो। जी हाँ, जीवन अनमोल है, सड़क पर सुरक्षित चलें, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट और चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, नमस्कार। नमस्कार, गायत्री मोहल परमाड़ी जिला महुआ उत्तर प्रदेश से शिवनारायण पांचाल बोल रहे हैं। शिव नारायण पांचाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या करते हैं शिव नारायण जी? दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हैं भाई, बहुत बढ़िया है, आप स्वरोजगार कर रहे हैं तो बताएं। मेरे ख्याल से आप पान की दुकान लगाते हैं? हाँ जी, जी 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 भाई, बहुत अच्छी बात है, आप अपने इस काम में लगे रहे। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप? सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के सभी कार्यक्रम सुनते हैं। जी जी, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक लगते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम सुन लेते हैं आप शिव नारायण जी? सुबह भक्ति संगीत सुनते हैं, और फिर उसके बाद रामचरितमानस है, और सवेरे फिल्म संगीत आता है वो सुनते हैं, वार्ताएं आती हैं ये भी सुन लेते हैं। कुल मिलाकर सभी कार्यक्रम सुन लेते हैं? सभी कार्यक्रम सुनते हैं, बुंदेली लोकगीत भी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं तो कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बढ़िया लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। जी जी, तो आपके जो आप काम करते हैं, आपने बताया कि स्वरोजगार करते हैं, तो कैसे उपयोग आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम? उपयोग तो ऐसा है कि जो वार्ता होती है उन वार्ताओं को सुनते हैं, उसमें जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको ग्रहण करते हैं, और वो काफी काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल शिव नारायण जी, हमारे सभी श्रोता वर्ग के लिए जो हमारे यहाँ से प्रसारण है, वार्ताएं हैं, भेंट वार्ताएं हैं और विविध विषयों पर जानकारियां हैं, तो हम सबका उद्देश्य यही है कि आपका जो काम है और आप अपने अपने जो आपके उद्देश्य हैं जो आप कर रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। बताइए आज कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें? फिल्म का नाम है दिल कितना नादान है। दिल कितना नादान है, बताइए इसका कौन सा गाना हम आपको सुना दें? कुमार सानू अलका राजमुख की आवाज में है, बोल है इसके, आएगी बरसात कहाँ जाएंगे। बहुत प्यारा गाना आपने सुनना चाहा है, आएगी बरसात कहाँ जाएंगे। तो भाई बरसात का मौसम तो नहीं है, तो क्यों पसंद है ये गाना आपको? आज हल्की हल्की बदली भी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपना अपना अंदाज है गानों का, और हम आपको सुनवाते हैं शिव नारायण जी दिल कितना नादान है इस फिल्म का, आपकी पसंद। फिल्म जारी रहेगा, आइए हम सुन लेते हैं ये समाज कल्याण का संदेश। के राखे रहियो सफाई को ध्यान, न हुईये कोनो बीमारी। राखे रहियो सफाई को ध्यान, न हुईये कोनो बीमारी।
जिंदगानी में साफ सफाई का अपनाओ, तन मन सबई स्वच्छ राखो, स्वच्छता का जीवन को आधार बनाओ और अपनी जिंदगानी का रोग मुक्त बनाओ। हेलो फरमाइश। हाँ सर, प्रवीण यादव बात कर रहे हैं, नमस्कार, निवाड़ी एमपी से। जी प्रवेंद्र यादव निवाड़ी से। जी 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 सर जी। बताइए प्रवेंद्र जी क्या करते हैं आप? सर एक समय पढ़ाई हो चुकी है और मैंने एमए किया है, डबल एमए करने के बाद एमपीपीएससी की तैयारी वर्तमान में चल रही है। बिल्कुल भाई, आप हायर एजुकेशन कर चुके हैं और आप अपने एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, जी। क्या उद्देश्य बना रखा है प्रवेंद्र जी? सर बस समाज सेवा का सोचा है और हायर एजुकेशन की बात यही है कि ना हो सके, कहते कि नर हो नाश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यही भावना है जीवन। बिल्कुल में। बिल्कुल प्रवेंद्र जी, छतरपुर के सर बहुत पुराने श्रोता है, करीब करीब 2000 से बराबर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं आप। कैसे लगते हैं प्रवेंद्र जी आपको कार्यक्रम? कार्यक्रम सर लाजवाब है, एक से बढ़कर कार्यक्रम आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल प्रवेंद्र जी आप ये बताएं, आपने बताया कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ से प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, समाचार हैं, तो किस तरह से मददगार हैं आपकी तैयारी में? सर हमें बहुत मदद करते हैं, पहली बात तो युवाड़ी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है और न्यूज वगैरह जो आपके यहाँ से समाचार आते हैं उससे हमारे पढ़ाई में बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है सर। बिल्कुल प्रवेंद्र जी, यही उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन अर्जित करें और आपने जो लक्ष्य बनाए हैं उनको आप जरूर प्राप्त करें, ये आकाशवाणी का उद्देश्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैं चाहता हूँ कि दुनिया रात में तरक्की इसी प्रकार से हमारा आकाशवाणी छतरपुर करता रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब हमारा, अब तो इसमें आ गया मोबाइल पर, मोबाइल ऐप पर, पहले तो हम रेडियो लिया करते थे साथ में, जहाँ भी जाते थे रेडियो साथ में रहता था सर। बिल्कुल प्रवेंद्र जी, मोबाइल ऐप के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी छतरपुर सुन सकते हैं और अपनी पसंद के जो भी प्रोग्राम है उन्हें ट्यून करें और लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बताइए कौन सा गाना हम आपको आज सुना दें? सर ये आपका फिल्म का तो नाम याद नहीं है, वो साईराम मुझे माफ करना, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। बिल्कुल भाई प्रवेंद्र जी, और मुझे माफ करना वो साईराम, ये बीवी सर, ये सुना दीजिएगा। जी जी प्रवेंद्र जी, ये बीवी नंबर 1 फिल्म का गाना है। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसी तरह कार्यक्रमों से जुड़े रहें और आपने जो लक्ष्य बनाए हैं आप जरूर उन्हें प्राप्त करें, बस मेहनत करते रहें। हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। ओके सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार। हेलो फरमाइश। राजेंद्र भैया नमस्कार, जमुना कुशवाहा बोल रहा था छतरपुर से। जी जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या करते हैं जमुना जी? सर प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सर। जी जी, जॉब करते हैं? जी जी बिल्कुल जॉब करते हैं भाई, बहुत। जी जी बैंकिंग लाइन में आप जॉब करते हैं, बताएं कार्यक्रम कैसे सुनते हैं आप? कार्यक्रम तो मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं सर। जी जी, कैसे लगते हैं कार्यक्रम? जी जी मोबाइल में स्टोर रहते हैं। जी कहीं भी जाते हैं जो भी अपने फेवरेट कार्यक्रम होते हैं जी ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है कि आप काम करते हैं और बीच बीच में कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, तो बताएं कार्यक्रम कैसे आपके काम में मदद करते हैं, कैसे आप उनसे लाभ लेते हैं? बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं अपने आकाशवाणी छतरपुर से, जैसे प्रश्न मंच कार्यक्रम, ज्ञान सुबह जो आता है उसके माध्यम से काफी जानकारी मिलती रहती है। जी और जैसे भेंट वार्ता वगैरह है, किसान संबंधी बातें हैं, सारी भेंट वार्ता सुनता रहता हूँ और अपने ग्राम सभा कार्यक्रम जी उसको बेसक रूप से सुनते रहते हैं, अपने भाइयों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है इसके माध्यम से। जी जी और रोजगार सूचना वगैरह आती रहती है तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल जमुना जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे शुद्धि श्रोता हैं और लगातार जानकारियों से आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, तो कितने सालों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं आप? 6 साल से जुड़ा हुआ। जी जी जमुना जी, बताएं आज हम आपको कौन सा गाना सुनवा दें? एक पुरानी मूवी थी सौतन। जी सौतन मूवी का गाना, बताइए कौन सा गाना इसका? जिंदगी प्यार का गीत है। जमुना जी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये गाना है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? आज हम देखते हैं कि हमारे श्रोता थोड़े से कुछ अगर उन्हें समस्याएं आती हैं तो निराश होने लगते हैं, तो उनसे क्या कुछ संदेश है आपके? रखना बहुत जरूरी है, अपने अंदर जो है आदमी को धैर्य रखना जरूरी है, कोई भी काम होता है तो जैसे किसी काम में अगर टाइम लगता है तो धैर्य से करें और मुताबले ना हो। मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आडम्बर को ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, थोड़ी सी अगर कहीं कमी फील होती है तो अपने आप में हताश हो जाते हैं। दिखावा ना करें, अपने आप को अच्छी तरह से रखें और
अपने को मजबूत बनाए, धैर्य रखें, कोई भी काम करें लगन से करें, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल जमुना जी, आपका ये जो संदेश है निश्चित रूप से हम सबके लिए काफी मददगार होगा कि आप लगातार प्रयास करें और धैर्य रखें। अगर आप धैर्य रखते हैं तो निश्चित रूप से आप कितने भी कठिन समय में हो, धीरे धीरे समय से आप अपने उद्देश्यों में पूरे होते हैं। और कहा भी गया है कि वक्त ही तो है, ये भी निकल जाएगा। चलो, हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार जी। जी नमस्कार। रियासन में आपका निवेशक ग्राम मिजोरा जिला सागर मध्य प्रदेश जी। गोलू कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं गोलू कुमार जी, क्या करते हैं? जी सर बढ़िया है सर जी। क्या करते हैं गोलू जी? सर मजदूरी करता हूँ सर। जी जी, मजदूरी करते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप श्रम करते हैं। तो कहाँ मजदूरी करते हैं? सरकार के ये जो जो काम चल रहे हैं उनमें करते हैं कि कहीं और? नहीं सर, काम में लग जाती है और अपन सागर भी चले जाते हैं गाड़ी से। तो मानदेय बढ़िया मिलता है आपको? हाँ सर, 500 रुपए चल रहा है। जी 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 जी, चलिए भाई गोलू जी, तो अपने काम में खुश हैं आप? जी सर बिल्कुल। क्या है सर, देखो कोई नौकरी वगैरह तो मिल नहीं रही। भाई देखिए, आप लगातार मेहनत करते रहें और शासन की बहुत योजनाएं हैं उनसे जुड़े हैं और आपके अनुरूप जो भी है उससे लाभ लें आप। जी राजीव सर जी, आपसे मेरी दूसरी बार बात हो रही, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है हमारे नियमित श्रोताओं से हमारी बात होती है। बताएं गोलू जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप? जी सर, फिल्म का नाम हैरी ब्रदर और गाने के बोले चांदी की डाल पर सोने का मोर। बिल्कुल भाई, बहुत प्यारा गाना आपने सुना है, चांदी की डाल पर सोने का मोर। जी जी सर। गोलू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आप? सर आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो कार्यक्रम आता है सर 5 बजे वो मैं सुनता हूँ, और जो किसान भाई कार्यक्रम आता है सर कृषि जगत वो भी सुनता हूँ सर, शाम को 7:30 में लगते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं तो लाभ ले रहे हैं इनसे। हाँ सर, क्यों नहीं ले रहे। और सर एक बात और बोलना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं सर जी, जो आपका किसान भाई को कार्यक्रम आता है वो डॉक्टर वाला कर दिया जाए उसमें, यानी एक सप्ताह में डॉक्टर को बुलाएंगे सर, तो डॉक्टर लोग आते तो मुझे जानकारी मिलती खेती किसानी से सर, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल भाई गोलू जी, हम आपका सुझाव पहुँचा देंगे विभाग तक, और निश्चित रूप से निकट भविष्य में आपको डॉक्टर्स की सलाह भी मिलेगी और आप जरूर लाभ लेंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं गोलू जी आपकी पसंद पर हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना। नमस्ते होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे राजीव रावत। मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की, सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र अहिरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले हम बता देते हैं आपको हमारे फोन नंबर। हमारा पहला नंबर है 241588 यानी 241588, और हमारा दूसरा नंबर है 298029 यानी 298029। छतरपुर से बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 07682 यानी 07682। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। श्रोताओं, आज भाई दूज का पवित्र त्योहार है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि हम भाई और बहन के इस पवित्र त्योहार को अक्षुण्ण बनाए रखें। भाई दूज के इस पर्व पर कवि कहता है, आसान नहीं है बड़ा भाई होना, पिता की उम्मीदें जानता हूँ, माँ की आशाएं पहचानता हूँ। पिता की उम्मीदें जानता हूँ, माँ की आशाएं पहचानता हूँ। भाइयों की विचारधाराएं हैं, पारिवारिक कुछ मर्यादाएं हैं। सभी उम्मीदों का सामंजस्य ढूंढना आसान नहीं है बड़ा भाई होना। तो श्रोताओं, आइए हम इस भाई दूज के पर्व को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं। शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसी बीच हमारे कोई श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ सर नमस्ते। जी नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हम रानी यागी बोल रहे हैं, ग्राम खनुआ जिला जालौन से। जी रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। क्या करती हैं रानी जी? सर हम हाउसवाइफ हैं, पढ़ाई भी कर चुके हैं
जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम सब देखते हैं कि हमारे देश में हमारी जो गृहणियां हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आकाशवाणी के कार्यक्रम कौन कौन सुन लेती हैं और कैसे लगते हैं आपके कार्यक्रम? सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम सुबह वंदना से लेकर श्री रामचरित मानस सारे कार्यक्रम सुनते हैं। युवाणी है, हेलो फरमाइश है, जवाब गुनगुना उठे, सब कार्यक्रम बहुत अच्छे आ रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से। जी, कार्यक्रमों से क्या शिक्षा मिलती है आपको, क्या कुछ आपके जीवन में लाभकारी हो रहे हैं? हाँ, सूचना ज्ञान और मनोरंजन का हमारा रेडियो सशक्त माध्यम है, जैसे कि तो हमें हर तरीके की जानकारी मिलती है रेडियो से। बिल्कुल रानी जी, हम सभी श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी से जुड़े रहें, और जिस तरह से आपने जीवन में अपने अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं और कार्यक्रम आपको उतने ही लाभ प्रदान करते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। बस आप मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें, निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। और बताएं आज कौन सा गाना हम आपको सुना दें? सर, फिल्म का नाम है औजार और गीत के बोल हैं, दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। बिल्कुल रानी जी, हम आपको ये गाना जरूर सुनवा देंगे औजार फिल्म का। और परिवार में कौन कौन है आपके? सभी लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। जी हाँ, सारे लोग साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सभी दीपावली का त्योहार मना रहे हैं सब मिलजुल कर। आज हम देख रहे हैं रानी जी कि आज ये भाई दूज का पर्व हम मना रहे हैं, तो क्या परंपराएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ भैया आते हैं बहन के यहाँ तिलक करवाने दीपावली पर, और रक्षाबंधन पर बहनें जाती हैं भाई के यहाँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है रानी जी। देखिए, ये जो हमारा संगम है त्योहारों का, हम देखते हैं हमारे देश में विविध संस्कृति और समुदाय के लोग हैं, एक संदेश के रूप में देखते हैं कि अनेकता में एकता, वो सब ये जो आपसी प्रेम है भाईचारे के साथ पर्व मनाते हैं, तो उनका आनंद अलग ही है। बिल्कुल रानी जी, आप भाई दूज का ये पर्व मनाएं और दीपोत्सव पर्व में दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। आइए हम आपको सुनवाते हैं औजार फिल्म का। आइए पहले, हेलो फरमाइश। सर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं ग्राम तरसमा जिला मोरियाना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। जी हरबिलास सिंह तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या करते हैं हरबिलास जी? खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं कि हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, और हम सब जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और आप खेती करते हैं, इससे महान कार्य कोई नहीं हो सकता। तोमर जी बताएं, आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? बहुत ही अच्छे, लाजवाब प्रस्तुति चल रही, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, जैसे कि हेलो फरमाइश है और मन भावन है, जब आप गुनगुना उठे हैं, ग्राम सभा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं। तो ये जो कार्यक्रम आप सुनते हैं, आपने बताया कि हेलो फरमाइश, ग्राम सभा, युववाणी, इनसे क्या कुछ सीख मिलती है आपको, क्या उपयोग करते हैं आप अपनी खेती में और अपने दैनिक कार्य में? हमारी ग्राम सभा जो कार्यक्रम है, उनमें अच्छी वार्ता सुनने को मिलती है, कृषि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा ली जाती है, बीज उपचार के बारे में, बुवाई के समय के बारे में, प्रमाणित बीज के बारे में, बीज बनाने के बारे में, बहुत से लाभ मिलते हैं उनको। जी जी, तो आपकी जो खेती है, इसमें किस तरह से ये जो चीजें काम आती हैं, जानकारियां काम आती हैं? इसमें हम अपना बीज, जैसे कोई बुवाई करते हैं, बीज उपचार कर लेते हैं, जो दवाइयां बताई जाती हैं, जैविक विधि का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जैविक दवाइयां भी बना लेते गोमूत्र वगैरह से, और खाद भी जैविक देसी खाद डालते हैं, रासायनिक खाद बहुत कम मात्रा में डालते हैं। जी जी बिल्कुल तोमर जी, और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक आते हैं या जो विशेषज्ञ आते हैं, वो बताते हैं किस तरह से हमारी कृषि में आमदनी बढ़े, उसके लिए हमें किस तरह से खाद और अच्छे बीजों का चयन करना है, ये भी बताते हैं, और आप लाभ ले रहे हैं जानकर हमें प्रसन्नता हुई। बताएं आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हम कौन सा गाना आपको सुनवा दें? फिल्म का नाम है नजराना। नजराना फिल्म। मेले हैं चिरागों के, अति दूसरे भी खुश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तोमर जी, और आप प्रयास करते हैं अपने आसपास के जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आज आवश्यकता है, तो उनकी मदद आप करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ, जितनी बन सकती होती करते हैं, उनका कोई काम ऐसा आ पड़ता तो उसमें भी सहयोग देते हैं और मदद करते हैं। हरिविलास जी, कितने वर्षों से आकाशवाणी छतरपुर से जुड़े हुए हैं आप? आकाशवाणी छतरपुर से मुझे जुड़े हुए 15 वर्ष हो गए। 15 वर्षों से आकाशवाणी छतरपुर से? वैसे हम रेडियो से जुड़े सन 1968 से जुड़े हुए। जी जी बिल्कुल, काफी लंबे अंतराल से आप सुन रहे हैं, ये जानकर हमें प्रसन्नता हुई, और सुनते रहिए आप आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम और लाभ लेते रहिए। आइए हरिविलास सिंह तोमर जी, हम आपको सुनवाते हैं नजराना फिल्म का ये दीपोत्सव से जुड़ा हुआ गीत। नमस्कार। नमस्कार। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी बोल रहा हूँ सर। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी? हाँ सर।
बताए सेवराम जी, क्या करते हैं आप? सर बिजनेस है मेरा। सर बिजनेस करते हैं, बताइए आज कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें? सर आज फिल्म सहरा का गीत सुना दीजिए रफी साहब की आवाज में। तकदीर का फसाना क्या कर किसे सुनाए। बिल्कुल, सेवाराम रत्नानी जी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सहरा फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, चलिए नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। जी राम शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं क्या करते हैं राम शरण जी? सर जी मेरा सिलाई का काम है और मैं यहीं घर पर सिलाई का काम करता रहता हूँ। इसके अलावा और क्या करते हैं? और खेती बाड़ी, अपनी खेती भी करते रहते हैं, समय समय पर हाथ बढ़ा लेते हैं मम्मी पापा के साथ में। बिल्कुल रामशरण जी, खेती किसानी आप करते हैं और अपने परिवार के साथ सहयोग भी करते हैं, ये जानकर हमें प्रसन्नता हुई। तो इस वक्त हम सभी दीपोत्सव का ये पर्व मना रहे हैं और आज रविवार को ये जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, आज भाई दूज का पर्व है, कैसे तैयारियां हैं, किस तरह से मना रहे हैं? सर देखो, सबसे पहले तो साफ सफाई का है, अगर साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां भी नहीं आएंगी जी। और बीमारी नहीं आएंगे तो अपने मतलब जेब भी तंगी नहीं होगी तो अच्छा रहेगा इसे। बिल्कुल रामशरण जी, स्वच्छता का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो अपनी तरक्की के लिए भी आगे बढ़ते रहते हैं, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं जी। परिवार में कौन कौन है रामशरण जी? परिवार में सभी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बच्चे है, सभी लोग भरा पूरा परिवार। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग मिलकर रहते हैं। जी बिल्कुल मिलकर रहते हैं सर। बिल्कुल राम शरण जी, और ये जानकर हमें प्रसन्नता होती है कि हमारे जितने भी भाई हैं सब मिलकर रहते हैं और साथ में एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनते हैं, ये जानकर प्रसन्नता होती है। बताइए आकाशवाणी छतरपुर के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? सुबह वंदना से लेकर मन भावन तक सभी कार्यक्रम सुनते हैं और बढ़िया लगते हैं। जब आप गुनगुना उठ जाता है ये भी अच्छा लगता है, सवाल हमारे जवाब आपके, और हेलो फरमाइश, जितने भी कार्यक्रम आते हैं सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और एक निवेदन है आपसे, यदि आपकी पसंद शुरू हो सके तो इसको शुरू करवा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल राम शरण जी, आप सब लोग अपने अपने पत्र प्रेषित करते रहें पसंद के और निश्चित रूप से इस पर विचार होगा। और आज आप कौन सा गाना सुनवाना चाहें? सर आज हमको बड़े घर की बेटी फिल्म का गीत सुनना, जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी बहुत बड़ाई। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, बहुत ही हार ये ना हिम्मत बिसार ये ना राम। और आप इसी तरह जो पौधों का एक संकल्प लिया है कि आप पौधे लगा रहे हैं और उनको सिंचित कर रहे हैं, बड़े होने तक उनकी सेवा करते रहिए, निश्चित रूप से आपको फल मिलेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी फल मिलेंगे। हम सभी श्रोताओं से यही निवेदन करते हैं और इस प्रोग्राम में भी अपील करेंगे कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनको बड़ा करें, पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दें। आज ये गाना हम आपको सुनवाते हैं, आप अपने मोबाइल ऐप या रेडियो के माध्यम से सुनिए, बड़े घर की बेटी फिल्म का, जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी बहुत बड़ा। रेडियो पे सुनता हूं, रेडियो में अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल रामशरण जी, अपनी अपनी पसंद है और आइए हम आपको सुनवाते हैं ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार, मैं ग्राम बफोस्ट तीतरा खलीलपुर तहसील कौन जिला जालौन से अंजलि जाटव बोल रही हूँ। अंजलि जाटव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। बताएं अंजलि जी, किस तरह से दीपावली का ये 5 दिवसीय पर्व हम मना रहे हैं? पहले तो सर हमारे यहाँ दीपावली का त्योहार मनाया जाता है कि सारे घर में दीपक जलाए जाते हैं और पूजा भी होती है, पूरा घर रोशनी से जगमगाता है सर, खाने में भी मिठाई बनती है, गुजिया और गुलाब जामुन सर जी जी। और इसके बाद सर भाई दूज का त्योहार आता है तो उस पे भी भाई को तिलक लगाते हैं, टीका करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, आज रविवार को जो कार्यक्रम हमारा प्रसारित हो रहा है इसमें हम भाई दूज का पर्व ही मना रहे हैं आज के दिन, तो अपने भाई का तिलक भी कर रहे हैं आप जी। हमारी जो परंपराएं हैं, भगवान श्री राम दीपावली के दिन अयोध्या वापस लौटे थे, हम सब जानते हैं कि उनकी खुशी में हम सभी ये दीपोत्सव पर्व मनाते हैं और हम सभी को एक संकल्प भी लेना चाहिए कि दूसरों के जीवन से हम अंधेरे को दूर करें और प्रकाश वहां फैलाने का प्रयास करें जी। बताएं आज कौन सा गाना हम आपको सुना दें? फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे, गाना के बोले तेरा पल्लू सरका जाएगा। कैसे लगते हैं आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम? सभी अच्छे लगते हैं, आपकी आवाज में सुनते रहते हैं जब आप गुनगुना उठे, और हेलो फरमाइश, मन भावन, सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अंजलि जी, हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहें, लाभ लेते रहें। और आइए अंजलि जाटव जी, हम आपको सुनवाते हैं दुल्हन हम ले जाएंगे, इस फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हेलो फरमाइश। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर जी।
नरेश प्रजापति, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर मध्य प्रदेश से। नरेश प्रजापति जी इंदौर से बोल रहे हैं। जी सर। क्या करते हैं नरेश जी? जी सर मैं एम्प्लॉई हूँ और ट्रक और बस बनाते हैं हम। छतरपुर का प्रोग्राम जी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलता रहता है। बिल्कुल। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं नरेश जी? जो लोक गीत वाला प्रोग्राम है और ये फोन इन प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम खास करके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया कि आप ट्रक बनाते हैं, तो सड़क के नियम हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पालन करते हैं सड़क के नियमों का? जी 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 बिल्कुल। और सभी श्रोताओं तक भी यही संदेश है कि जब भी हम जाएं, जैसे टू व्हीलर से सफर करें तो हेलमेट का यूज जरूर करें, फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं जी। और जो पास में जो कोई भी बैठे हैं हमारे साथ उनको भी सीट बेल्ट का उपयोग, और जो ट्रैफिक सिग्नल है उनका जरूर से फॉलो करें और जल्दबाजी ना करें, सही रफ्तार में गाड़ी चलाएं, धूम्रपान या नशा करते हुए गाड़ी ना चलाएं। बिल्कुल नरेश जी, और हम भी सभी अपने श्रोताओं से कहेंगे कि नशा तो बिल्कुल करें ही ना, और वाहन चलाते समय हम सड़क के दोनों ओर देखें और जो नियम है उनको पालन करते हुए ही हम अपने वाहन को चलाएं, और वाहन की जो स्पीड है उतनी ही रखें जो सामान्य गति होती है, जिससे आप सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और जब सड़क पर होते हैं तो कहीं हमें लिखा हुआ मिल जाता है, कोई संदेश रहता है, एक दुर्घटना से देर भली, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम भले ही थोड़ा देर पहुंचे लेकिन सुरक्षित पहुंचे। बताएं नरेश जी कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे आज? फिल्म का नाम है अंदाज। अंदाज फिल्म का गाना। उसका एक गीत है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल नरेश प्रजापति जी, और आप जो काम करते हैं और उससे जुड़ा हुआ ये गाना है कि हमारा सफर आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं है, बस ये हम जरूर कहेंगे कि अगर हम सुरक्षित रूप से पहुंचना चाहते हैं और बिल्कुल सही तरीके से अगर हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो सफर भी सुहाना होगा और सफर का मजा भी आएगा हमें। कुछ मित्र हैं सर हमारे साथ? बिल्कुल आपके मित्र हैं, आप सभी मित्रों के साथ सुनिए अंदाज फिल्म का ये गाना।